व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो एक्चुअली में ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल व्लॉग है क्योंकि मेरे भांजे का ये फर्स्ट बर्थडे है। एंड यू नो व्हाट, कि मैं काफ़ी ज़्यादा अपने भांजे और भांजियों से कनेक्ट करता हूँ, यानी छोटे भाइयों से भी बहुत कनेक्ट करता हूँ। तो मेरे लिए ये सब मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। अब एक बात करता हूँ कि मेरे जो पिछले दो व्लॉग्स थे दोनों ही कुछ वजह से डिलीट हो गए। मतलब मेरे कंप्यूटर में वायरस था, उसके वजह से SD कार्ड की सारी फाइलें डिलीट हो गई, जिसकी वजह से मैं अपने बर्थडे का ब्लॉग भी नहीं डाल पाया। बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस ब्लॉग बोरिंग वन, लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग वन। मतलब एक ही बलून फुलाना है और उस पर रेयांश का नाम लिखना है पेन से, तो जो सबसे पहले उसका नाम लिखेगा वो गेम जीत जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी नहीं बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि जब आप इतना कैमरा फ्रेंडली होते हो और आप इतने सारे लोगों के साथ बात कर रहे होते हो, तो जो भी फैमिली फंक्शन होता है वहाँ पे आपको होस्ट करने का मौका मिलता है। तो अगर आप लोगों को भी कहीं पे होस्ट करने का मौका मिलता है ना, ये मौका छोड़ना मत, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। और अभी चल रहा है बच्चों का राउंड और इसमें बच्चे म्यूजिकल चेयर करवा रहे थे, चेयर नहीं है क्योंकि चेयर पे सारे बड़े बैठे हुए हैं, तो बच्चों को सिर्फ घुमा घुमा के बैठा देंगे। तो भाई हमने एंकरिंग तो पूरी कर ली, अब लगी है भूख। वैसे तो मैं कल से वर्कआउट शुरू कर चुका हूँ, बट मैं ऐसा आदमी हूँ ना कि कल वर्कआउट करूँगा तो आज चीट मील ले लूँगा। एंड इन गुलाब जामुन को देख कर अभी रुका नहीं जा रहा है, तो आज खा लेते कल से। अगर आप कभी फॉरेन कंट्री जाओ और आपसे कोई पूछे कि आप अगर इंडियन हो तो उसका प्रूफ दो, तो आप उनसे सिंपल कहना कि पार्टी में हम कुछ इस तरह थाली पूरी भर के खाते हैं। टाइम टू लीव, पेट पूजा सब हो गई है। एंड बस रात हो चुकी है एंड बस अभी निकलते हैं, 10:15 अभी निकलते हैं। लेकिन निकलने से पहले मैं आप लोग को मिलाता हूँ उस बच्चे की माँ से जिसका आज बर्थडे था। बच्चे की माँ हाजिर हो। तो ये है वो बच्चे की माँ, कुछ साल पहले हमने इनका बर्थडे मनाया था, आज इनके बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, तो देश तरक्की पे। और मैं इसका बर्थडे मनाई हूँ बचपन से। ये डायलॉग ज़्यादा हानिकारक था। सो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड हुआ ये कि कल आते आते थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि आजकल मैं 10 बजे ही सो जाता हूँ, तो 10:30 भी बहुत लेट हो रहा है मेरे लिए। एंड आते के साथ आई वेंट टू स्लीप क्योंकि पता नहीं, और अभी निकल रहा हूँ मैं झारसुगड़ा अपने भाइयों को छोड़ने जाने के लिए। तो गाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू झारसुगड़ा बाई रोड, और बहुत ही अच्छी रोड है। मतलब यहाँ पर हम छोटी मोटी बाइक राइड करने आ सकते हैं एंड ड्राइव करने भी आ सकते हैं अगर लॉन्ग ड्राइव करनी हो तो। लेकिन अभी हमारा सिचुएशन ऐसा है कि 8:40 हो गए हैं और 9:45 की ट्रेन है, तो हमको कैसे तैसे करके भी वो ट्रेन पकड़नी है। और कितना टाइम लग जाएगा जीजू? ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करते। तो ये हमारा आज का टास्क होने वाला है कि हमको इसको ट्रेन पकड़वानी है। और ये मेरा भाई है जो बचपन में मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ता था, हम लोग मतलब जब भी आता था ना रोज़ कुश्ती हो जाती थी, मतलब बुआ और पापा मिलकर हमको भिड़ा देते थे। तो लेकिन अभी हम लोग नहीं लड़ते हैं, तो सब चीज़ ठीक है। सो फाइनली वी रीच द स्टेशन और टाइम पे पहुंच गए, यानी कि हमारा आज का टास्क हो गया पूरा। यार तू आया करना तो थोड़ी लंबे टाइम तक आया भाई, अब लंबे टाइम तक एक दिन आया, कल आया और आज जा रहा है। हावड़ा तक चेयर कार में जिगरा चाहिए भैया, जिगरा।
सो इट्स ऑलरेडी 10:30 एंड वी टू का हॉल्ट नियर थिंक फूड प्योर वेज रेस्टोरेंट जो कि झारसुगड़ा से निकलते समय पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो नाश्ता करते हैं एंड मैं काम करता हूँ ये व्लॉग को यहीं पर रैप अप करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। पिछले कुछ व्लॉग्स मैंने बहुत एकदम नेक्स्ट लेवल व्लॉग्स बनाए थे बट वो डिलीट हो गए कुछ वायरस के कारण। बट इस व्लॉग को वैसा नहीं होने देना है तो थोड़ा बहुत केयर लेकर इस व्लॉग को एडिट करूँगा एंड भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि डिलीट ना हो। और मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस एज ऑलवेज पीस। शुभम सबको लाइक करो, शेयर करो, बेल बटन कमेंट करो, बेल बटन दबाओ जिससे पहले नोटिफिकेशन मिले और वीडियोस का ऊपर में आए। इसके चैनल को हिट करो और ट्रेंडिंग में बनाओ, ट्रेंडिंग पे लाओ। मेरे बड़े भैया बोल रहे कर देना नहीं तो फिर क्या करोगे।